बेस विल अपीयर मैट बट विद इन मुझे हाइड्रेशन मेरे बेस से मिलता रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी कैसे प्रोडक्ट से मैंने अचीव किया है वो आई टॉक अबाउट ब्राउन कलर पैलेट की कैसे डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन यूज करके आप अचीव कर सकते हो ये लुक विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगेन एक ऑल मैट मेकअप लुक को अचीव करने से पहले आपको आपका स्किन टाइप पता होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको पता ही टू अचीव अ मैट लुक अपनी टीजोन एरिया पे ऑयल कंट्रोल और ऑयल एब्सॉर्बिंग प्रोडक्ट यूज करूंगी फेस को धोने के लिए मैं यूज करूंगी द डरमा कोस टू परसन हाईलाइल ऑयल कंट्रोल फेस वॉश ना सिर्फ डर्ट और गंग को रिमूव करता फ्राम द फेस बट इट हेल्प टू कंट्रोल एक्सिस्ट सीवन प्रोडक्शन बाय द

Gets acne marks and acne scars. One of my favorite go to treatment product this is for face moisturizer. I'll be using 6% hyaluronic acid Matte Lotion by the brand Dermaco. I have taken two and a half pump of this product and I will start spreading it evenly all over my face. its formula is like a matte finish, hai, but up skin ko within hydration hai because it has hyaluronic acid in it, which prevents moisture loss. It also has calomel which helps to absorb excess sebum and oil production by the skin, and that is what we want. It also has anti and antibacterial properties. It also has nice white which again helps to control excess oil, targets, acne marks, and acne scars. It also has SPF 20, but I'll be using sunscreen after using this product. Ya we look matte look dyk though It is great for oily and combination skin people. So, if you are interested who highlight like lml range by dermaco you can use my coupon code and you will get 20% off. And every time you will buy from dermaco dermaco is gonna link your order to a child that they help educate along bumi and they have pledged to educate. टेन थाउजेंड प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस ईयर, विच इज एन अमेजिंग डरमा को यह सनस्क्रीन जब मैंने अपलाई किया इजिबल सी मीन ट्रांसलूसेंट फॉर्मुला बेस्ड फॉर्मुला बट इट फील्स वेरी वॉटरी ऑन द स्किन तो मैंने कुछ दो पंप लिया है इस सनस्क्रीन का और पूरे फेस पे मैंने इसे अप्लाई किया बेस्ट पार्ट मुझे सनस्क्रीन का ये लगता है की आपको सन प्रोटेक्शन तो देता है साथ साथ कोई लोसी या डु फिनिश

क्ट पाउडर दिस इज बाय नाइका मेरा टूट चुका है बट ठीक है फिर भी अभी काम चलाउ टाइप का चल रहा है काफी अफोर्डेबल भी है इसका काफी ज्यादा अच्छा है सो so, छोटे से पाउडर ब्रश की मदद से प्रोडक्ट को पिक करूंगी टैपिंग ऑफ दंसिलर ब्रश से अगेन अपने अंडर आई को ब्लेंड करूंगी ताकि कोई क्रीजिंग ना रह जाए उसके बाद आई विल सेट माई अंडर आई एरिया ओवर माई आईलेट एंड दर राइट साइड ऑफ माई फेस सिर्फ एक साइड को सेट करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दट हाउ मच अम्पैक्ट पाउडर कैन मेक अ डिफरेंस एंड यूजिंग अ राइट

ट अब मैं एक, एक, एक पेंसिल ब्रश में पिक करूंगी दो डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन एकदम डीप डार्क ब्राउन पिक किया ब्रश में विदाउट पिकिंग एनी एक्सट्रा प्रोडक्ट एल बी क्रिएटिंग रिवर्स विंग स्लाइटली फ्लिकिंग आउटवर्ड जो मैंने ऑलरेडी वीशेप क्रिएट किया था क्रीज आई शेडो की मदद से उसी को हल्का सा डीप एंड कर रही हूँ मैं दिस इज जस्ट अ मेकअप ट्रिक दट आई लाइक टू डू फॉर माई स्लाइटली आईस दिसन आई विल क्लोज माई आईज और फिर उसी पेंसिल ब्रश में दोनों कलर को मैंने फिर से पिक किया एंड आई एम गोइंग टू अपलाई दैट वेरी क्लोज टू माई अपर लैश लाइन जैसे आपको बताया स्लाइटलीडेड आइज है जब अपनी आंखों को खोलती हूँ तो थोड़ा सा लैश लाइन विजिबल होता है स्पेशली जहाँ पे मैं ये आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ एंड रीली ब्रिंग्स एंड आई लुक टूगेदर एक उम फैक्टर आपको देता है, है ना वो फ्री का मुझे आया था बट इसका बिगस्ट

क्या है ना कि जो मेरा गो टू आईब्रो पेंसिल है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी दैट इज ऑल्सो अफोर्डेबल विच इज बाय एल्फ आई विल प्रोवाइड अ लिंक फॉर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो मेरा खत्म हो गया सो आई टू फाइंड अ फाइंडेटिव प्रोडक्ट अच्छा है बट जो कलर है दैट इज नॉट गुड सो आई टू काइंड ऑफ लाइक वर्क अराउंड विद इट आई एम गोना सेट माई आई यूजिंग आई मस्कारा ये बहुत ही अच्छा आईब्रो मस्कारा है दिस इज बाय एसेंस दिस इज गोना मेक श्योर दट माई आर गोना बी इंटैक्ट एंड ऑल्सो गोइंग टू सेपरेट माई आईब्रोज गोइंग टू गिव दैट फेदर लाइक लुक टू माई आईब्रोज एंड ट करती हूँ आई लव टू कॉन्टोर एंड ब्रॉन्स माई फेस आई फील लाइक दे रियलीम्प्लीमेंट दी आई लुक प्रिटी वेल एंड बहुत ही संकिस्ट लुक आता है सो so आप लोग ने देखा मैंने एक वार्म मैट ब्राउंसर कलर पिक किया इन माई ब्रश एंड आम कॉन्टोरिंग माई

पीछी मैट ब्लश ऑन माय चीक्स और इस ब्लश ब्रश का यूज करते हुए जब मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ जस्ट मेक्स द प्रोसेस सो मच फास्टर एंड ईजियर और आप लोग ने देखा ही ब्लश अप्लाई करने के बाद कितना आ है और इस ब्लश का कलर कॉम्प्लीमेंट द ब्रॉन्जर कलर दैट आई यूज ऑन माई फेस प्रिटी वेल और ये ब्लश एक फ्रेशनेस एड करेगा मेरे स्किन में सेम ब्लश को मैंने नोज पे और चीक्स पे भी अप्लाई किया अब लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लेट मी सेट माई एंटायर फेस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आई बी यूजिंग अ मैट सेटिंग स्प्रे जस्ट टू मेक श्योर की जो भी पाउडर प्रोडक्ट मैंने यूज किया दैट कैन इन विथ ईच अदर ऑल्सो मेकअप इज गोना लास्ट लॉन्गर एंड कोई भी डस्टीनेस आपके फेस पे नहीं देखेगा एंड इसम लिप्स आई बी अप्लाइंग ब्राउन न्यूट लिप लाइनर दिस इज कॉल्ड चेस्ट बाय वेट एंड वाइल आउटलाइनिंग माई लिप्स विद दिस लिप लाइनर उसके बाद गो फिल माइ एंडर लिप्स विद हेल्प ऑफ दिस लिप लाइनर सिर्फ लिप लाइनर काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे आई लुक को बट आई एल अपलाइंग लिपस्टिक एज वेल दिस इज ईबा कॉस्मेटिक का लिपस्टिक दिस इन अंदर शेड कैफे लाटे अंदर हम गो dry my lips a bit उसके बाद हम गोना पर्स माय लिप्स अगेन एंड विद दैट आई कंप्लीटेड दिस ऑल मैट न्यूड ब्राउन लुक फॉर स्किन कितना सुंदर है ये लुक बेस काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया कि प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है टू क्रिएट अ मैट मेकअप लुक दैट इज लॉन्ग लास्टिंग हाउ टू यूज लेस प्रोडक्ट एंड अचीव दिस लुक हाउ टू एनहस द फीचर्स एंड मैन एम क्लोजिंग माई आईज यू कैन सी डिफरेंट टोन्स ऑफ ब्राउन शेड एंड दे आर कॉम्पलीमेंटिंग ईच अदर दिस एंटायर लुक इज सो so ब्यूटिफुल मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा कुछ नया टिप्स और ट्रिक्स सीखने को मिला होगा आपको अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट कर देना आई एम सी न्यू बाय टेक केयर